तो गाइस क्या हालचाल है आपका, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पहाड़ी गाइस। देख रहे हो धन्नो खड़ी है, देहरादून पहुंच गए। अगर आपको ऐसा नजारा कभी दिखे तो समझ जाओ आपकी देहरादून पहुंच चुके हैं। वैसे तो मैं अभी कोई व्लॉग शूट नहीं करने वाला था, क्योंकि मैंने सोचा था एक बार मैं जाके दोस्त के रूम पे पहुंच जाऊं, वहां नहा धो के फ्रेश हो के उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। बट जो व्यू मुझे दिखा ना भाई, इधर जानवर भी होते हैं, ठीक है, इधर हाथी वाथी मिलते हैं, तो जो व्यू मुझे दिखा मैंने कहा इस रोड को तो शूट करना बनता है। बस मैं पहुंचने वाला हूँ, गोप्रो से शूट करता हूँ और एक छोटा सा मिनी ब्लॉग होने वाला देहरादून की खूबसूरती दिखाने के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, भाइयों और उनकी बहनों, तो स्वागत है आपका भाई। ओ भाई साहब, अभी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो हाल हो रखा है गाइज, ये एक छोटा सा मिनी व्लॉग होने वाला है, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट देहरादून पहुंच गया हूँ और यहाँ से नहा धो के उसके बाद यहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाला है। मैंने सोचा था कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा नहा धो के, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर देख रहे हो ये इतने सारे खूबसूरत नज़ारे कैसे मिस कर सकता है कोई। इसलिए हमने क्या करा कि रुक के बढ़िया से एकदम तरीके से कैमरा वैमरा फिट किया और हमने कहा यहीं से फर्स्ट ब्लॉग, यहीं से पार्ट वन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एकदम अमेजिंग सा रूट है। इससे पीछे भी अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला जो रूट है ये हरिद्वार से देहरादून के लिए आता है, तो पीछे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रूट है भाई, स्मूथ बना हुआ एकदम प्लान, मस्त एकदम बुलेट प्लान बना हुआ है, बुलेट एकदम चल रही थी 100 की स्पीड पे इस रोड पे। मज़ा आ गया भाई ड्राइविंग करके, जो मैं दिल्ली से यहाँ आते आते थक गया था सारी थकावट दूर हो गई है। इतना बढ़िया नज़ारा, अर्ली मॉर्निंग लोग वॉक करने आए हुए यहाँ पे, बच्चे रनिंग कर रहे हैं, ओए होए क्या चीज़ है। और ये है 4.7 किलोमीटर पर जाए दोस्त का रूम, तो मैं आज वहीं जाऊँगा, वहाँ से फ्रेश हो गए फिर वो भी मोस्ट प्रोबेबली वो भी निकलेगा शायद, अगर नहीं जाएगा तो ये सोलो ट्रिप रहेगा अपने को, तो क्योंकि जाना ही है, शेरू नहीं है साथ में इस ट्रिप के अभी, तो हम कोशिश करेंगे कि शेरू भी साथ में आए। तो कभी भी आप देहरादून की साइड घूमने आओ ना, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है, देहरादून के आजू बाजू में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आप देहरादून पहले पहुँच जाओ, देहरादून में आप स्टे कर सकते हो और यहाँ स्टे करने के बाद आप कहीं भी जा सकते हो, जैसे चक्राता हो गया, धनौल्टी हो गया, मसूरी हो गया। मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो खुद के उस गाड़ी से आते हैं, बाकी आप बस मतलब अगर पब्लिक कन्वीनियंस से आते हैं तो यहाँ ट्रेन भी आती है और बसेस भी आती है दिल्ली से डायरेक्टली, तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, तो आप लोग आ सकते हो। अब हम पहुँच चुके हैं देहरादून, सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लव है या सिटी ऑफ एजुकेशन है, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ है। चलो कोई बात नहीं, आगे जाके हम पता करेंगे इस बारे में। इस वाले ट्रिप में अभी शेरू नहीं आ पाया, क्योंकि भाई बाइक पे अकेले शेरू को लेके जाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट है ना, जैसे अभी सामने लेफ्ट में डॉग थे तो भिड़ने के लिए तैयार रहता, तो उसके लिए कुछ दूसरा जुगाड़ कर रहा हूँ मैं। बहुत जल्दी एक बार वो हो जाए तो उसके बाद हर एक ट्रिप में आपको शेरू दिखेगा। चलो आज बिना शेरू के मजे लेते हैं। भाई साहब यहाँ ठंडा लग रहा कसम से, मतलब मैंने ये जो राइडिंग जैकेट होती है ये भी पहनी हुई है, इसके अंदर वार्मर तो नहीं है वैसे, बट खतरनाक ठंड लग रही है। असल मुझे लग रहा है कि स्वेटर पहननी पड़ेगी, और लगता है रात को बारिश वारिश हुई है यहाँ पे हल्की फुल्की, जिससे कि रोड भी आपकी गीली है, और रोड भी गीली है तो लगता है बारिश हो रही है। इधर देखो क्या मस्त जंगल है, जंगल के बीच से पतली सी रोड जा रही है, वाव ऐसी जगह रहने का मजा है यार। दिल्ली में तो ऐसा घचपच घचपच है ना, माँ कसम इतना कंजस्टेड है, इतना कंजस्टेड है। यहाँ से मसूरी 43 किलोमीटर ओनली, मतलब 1 आवर, थोड़ा चढ़ाई चढ़ना चढ़ के जाना होता है वहाँ पे, तो आप ये लगा लो क्या अप्रॉक्स 1.5 और 2 आवर्स में आप यहाँ से मसूरी जा सकते हो, है ना। देखो
पूरा देहरादून वॉक करने आया है और मुझे लगता है कि मुझे फुटपाथ पे उतरना पड़ेगा। यहाँ पर एक कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है देहरादून में और सही है, मुझे पुल के नीचे से राइट टर्न लेना है। लेट्स सी। ओके, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है, यहाँ मैं एक्चुअली पहले आ रखा हूँ ना, बट मैं उस टाइम मैं दूसरे रूट से आया था। लेकिन जो ये फ्लाईओवर के नीचे से कट जा रहा है, यस वही वाला रूट है। तो गाइस अभी इसके बाद ना, ये अगर सपोज मैं इसको पार्ट वन एज अपलोड करूँगा तो इसके बाद बढ़िया से ब्लॉग आने वाले हैं, ठीक है। और यहीं से जाना है। ओके, ये वही रूट है भाई। तो बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आने वाले हैं। एक दो तीन, यही मेरा दोस्त का होटल था। इन्होंने कहाँ ले रखा यार रूम, कहाँ है ये लोग। ओके, ये है भाई दोस्त का। यहाँ एक कुत्ता हुआ करता था। इन्होंने लोकेशन भी इसकी दी है क्या? छह बज गए, देख रहे हो, 6 बजे का अलार्म भी बज रहा है। तो चलो यार गाइस, ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं पहुंच चुका हूं, एक बार इनको फ़ोन करता हूं कि बाहर लेने आए, उसके बाद अपने ट्रिप स्टार्ट करेंगे।